हे गाइज, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कॉलर बॉम्ब मूवी का एक एक्सप्लेनेशन वीडियो, या कहें तो ब्रेकडाउन। बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सेंट जॉर्ज स्कूल में नेहा नाम की लड़की का शोक सभा चल रही है और वहीं पे मनोज भी प्रेजेंट था। उसी ने केस सॉल्व किया था और नेगी नाम के एक आदमी के बवाल के बाद वहाँ एक लड़का आता है जो खुद ह्यूमन बॉम्ब होता है। उसका नाम शोएब अली होता है। पुलिस अब पूरी बिल्डिंग सीज कर देती है और शोएब अपनी पहली डिमांड रखता है कि माँ या बाप में से कोई एक को कुर्बानी देनी होगी बच्चों के बचने के लिए। अब मनोज उसे बात में फंसाता है और पीछे से एक लड़की उसे मारने ही वाली होती है कि अली उसे शूट कर देता है। उसके बाद अली सब बड़े और बूढ़ों को बाहर भेज देता है और बच्चों और मनोज को रोक लेता है। अली उसे बताता है कि बॉम्ब में चार कोड हैं जिसे डालने से कॉलर बॉम्ब डिफ्यूज़ हो जाएगा। उसमें एक कोड पहले से डाला होता है और अब तीन बाकी होते हैं, और वो इसके बाद मनोज को जाने देता है बट उसके बेटे अक्षय को रोक लेता है। दूसरी तरफ मॉल रोड में सब बरकत अली की दुकान में आग लगा देते हैं और सुमित्रा जब जाके मंत्री को धर लेती है कि उसे कैसे पता हॉस्टेज सिचुएशन के बारे में, तो वो वहाँ से भाग जाता है। इधर मनोज जाके मैथ्यू के बाप को बांध देता है और फिर उसकी माँ उसे मार देती है, जिसके बाद अगला कोड डाला जाता है। उसके बाद मनोज के बेटे को फ्री कर दिया जाता है बट उसे एक वीडियो भेजता है अली जिसमें वो किसी को मार रहा होता है। और इसके बाद उसे दूसरा टास्क मिलता है और हमें ये पता चलता है कि पीटर अपने ही लड़के के साथ गलत काम कर रहा था, मीन्स ही वॉज अ पीडोफाइल। अब मनोज मैथ्यू की माँ के साथ न्यू लोकेशन पर जाता है और रतन नेगी को भी किडनैप कर लेता है। मनोज सारा से पूछता है कि जो पीटर मैथ्यू के साथ करता था वो किसे पता था, तो वो बताती है कि लास्ट मंथ एक मेडिकल कैंप में उसकी बॉडी चेकअप हुआ था जहाँ पे उस पर कई सारे स्कार दिखे थे और डॉक्टर गुप्ता का नाम सामने आता है। इधर सुमित्रा को भी डॉक्टर गुप्ता का कनेक्शन मिल जाता है और पीटर की बॉडी पुलिस को मिल जाती है तो सब मनोज के पीछे लग जाते हैं। सुमित्रा मनोज तक पहुँच जाती है जहाँ पर डॉक्टर गुप्ता पहले से ही बंधा हुआ होता है और मनोज अब सुमित्रा को भी वहाँ से बांध के चला जाता है। स्कूल में आरएएफ अब अंदर जाती है पर फंस जाती है, जिसके रिप्रकशन में एक बच्ची को अली मार देता है। अब पुलिस डॉक्टर गुप्ता के क्लिनिक पहुँचती है तो पता चलता है कि उसे जहर देके बेरहमी से मारा गया था और सुमित्रा को लगता है ये किसी और का काम है। दूसरी तरफ अब मनोज को एक लड़की रीटा का कॉल आता है और वो लोकेशन पर पहुँच जाता है। दूसरा टास्क ये होता है कि नेगी को अपने माँ बाप को मरते हुए देखना होगा और वो यही करता है। अब मनोज का तीसरा टास्क मिलता है कि अब वो स्कूल में वापस जाए, जिसके लिए मनोज सुमित्रा की मदद मांगता है। पीली ताल पे अब वो मिलते हैं जहाँ पे नेहा की स्टोरी मनोज सुनाता है और पता चलता है कि नेहा को एक आदमी ने मारा था और उसे जमीन में गाड़ दिया था, तो उस लड़के को पकड़ने के बाद वो गलती से मर जाता है और उसे दोनों गोली मार देते हैं। और नेहा की डेथ एक्चुअली इसके बाद ही होती है, सो इनडायरेक्टली उन लोगों ने केस क्लोज कर दिया था जिसके बाद नेहा मरी थी। इसके बाद मनोज स्कूल के अंदर जाता है और आखिरी कोड मांगता है रीटा से, बट तब हमें पता चलता है कि रीटा वहाँ की आया है जो वहाँ पे पहले से होती है। और इसके बाद अली वहाँ से भाग जाता है और अली को कमांडो शूट कर देते हैं। अब रीटा सुमित्रा को बॉम्ब पहना देती है। रीटा मनोज को बताती है कि जिस लड़के पे उसने नेहा का मर्डर फ्रेम किया था वो रीटा का बेटा ही था। वो थोड़ा मेंटली चैलेंज था जिसे देख के मनोज को लगा कि वो कोई गंजेड़ी होगा, क्योंकि 70% केसेस में ऐसा ही कोई अनजान आदमी होता है। इसी वजह से मनोज उसे मार देता है और नेहा का मर्डर उस पर लगा देता है। वो मनोज को बताना चाह रहा था कि नेहा कुएं में है बट उसे ऐसा लगता है कि उसने उसे गाड़ दिया है, जिसके बाद गलती से वो मर जाता है और उसे वो शूट कर देता है। रीटा उसकी माँ वहीं पर थी और उसने ये सब शूट कर लिया था और तब से उन सब के बदला लेने के लिए वो ये सब कांड कर रही थी। रीटा ने लास्ट में मनोज को कहा कि उसे शूट कर दे और वो जहर खा के उस वाटर बॉडी में के पास पहुंच गई जहां से पूरे शहर को पानी आता था, सो वो सबको मारना चाहती थी बट मनोज ने ऐसा होने से बचा लिया। रीटा ने मरने से पहले सबको वीडियो वो सेंड कर दिया, जिसके बाद मनोज को जेल हो गई थी। लास्ट में हमें पता चलता है कि रियल कर्पिट कोई और नहीं नेहा की दोस्ती थी, जिसकी गलती की वजह से नेहा कुएं में गिर जाती है और फिर वो झूठ बोल के दूसरे आदमी को फ्रेम कर देती है। लास्ट में हम मनोज को जेल में देखते हैं और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है।
सो ये सब हुआ पूरी मूवी में। और आपको कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।